हाय गाइस, वेलकम टू रिसर्च गार्डनिंग बी क्रिएटिव। ये देखिए, ये बॉगनविलिया का फ्लावर है। देखिए कितना खूबसूरत सा, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा, इसके ऊपर कितने बंच में फ्लावरिंग हुए हैं। आप ये देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड, क्योंकि इसका यही सीजन है फ्लावरिंग का, कितना खूबसूरत लग रहा है। देख रहे हैं फ्रेंड, ये कितना एकदम बॉल बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया इस फ्रेंड इस ये देखिए, पहले तो अब मैं इसकी फ्लावर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ सूख रहे हैं, फिर इधर से कुछ नए आ रहे हैं, फिर ये कुछ, ये तो मेरे पास ये सूख नहीं रहे फ्रेंड, एक्चुअली सूख नहीं रहे। ये मेरे पास ऑरेंज कलर का है, ये पिंक है, ऑरेंज है, और एक मेरे पास रेड कलर का भी होगा आई थिंक। उसमें फ्लावर अभी आए नहीं हैं, आए नहीं हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे हैं अभी। देखिए एक मेरे पास हल्का लाइट, ये देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। एक मेरे पास उधर देखिए, ये येलो कलर का है, इसके बगल में ये टिप पे जो देख रहे हैं ये वाइट कलर का है। तो फ्रेंड ऐसे आप इसको रख सकते हैं अपने घर में, काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। ये फुल्ली इंडोर आउटडोर है फ्रेंड, इसको आप बाहर धूप सनलाइट में रख सकते हैं, और इसे आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। वाटरिंग इसमें रेगुलर कीजिए और उसकी प्रूनिंग कीजिए। देखिए मैंने तो प्रूनिंग अभी इसकी की नहीं है, वैसे फंस गया, उसको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरा प्लांट, ये देखिए इसकी हाइट आप देखिए, मेरी छत को टच कर रहा है। फ्रेंड काफ़ी खूबसूरत सा है, आप देखिए एक, अब देखिए देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इधर देखिए काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि फ्रेंड ये मैंने करीबन 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड मुझे क्या होता है कि मुझे प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एज़ कम्पेयर टू इसको कटिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स थे फ्लावरिंग, तो बॉगनविलिया जो है वो अच्छा फ्लावर देता है। तो आप इसे ग्रो करते रहिए, बढ़ाते रहिए जितना अच्छा से, क्योंकि मुझे प्लांट थोड़े से ग्रो करते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि उसकी प्रूनिंग कर दो। वैसे प्रूनिंग तो करना चाहिए, वैसे आप उसको शेप दे सकते हैं प्रूनिंग करके, इसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं प्यारा सा, और आप इसको अच्छे से शेप में ला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे मेरे हाइबिस्कस के प्लांट पे, ये देख रहे हैं कितने सारे अटैक कर दिए हैं पेस्ट ने। मैं क्या करूँगा कि इन्हें उखाड़ के बहुत सारे इन्होंने, देखिए अभी मैं इसके ऊपर एक पेस्ट का छिड़काव कर दूँगा ताकि ये तुरंत गिर के मर जाएंगे सारे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सारे सब अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो अगर मैं बात कर लूँ फ्रेंड का लाइट एंड लोकेशन की, तो मैंने बात कर दी है, इसके फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सेडी एरिया में इसको रखा हुआ है, फुल सनलाइट में नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और प्लांट्स को भी गर्मी तो लगेगी। बट क्या होता है कि इसमें वाटरिंग का जो होता है, मतलब पानी धूप में, तो वैसे लेट हो जाता है मुझे, तो जो होता है मैं उसको पानी सोचता हूँ कि तब इधर छांव रहता है तो मैं इधर ही पानी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड मैं बता दूँ आपको कि फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये कोई भी फर्टिलाइज़र इसको मत डालिएगा, कोई भी फर्टिलाइज़र आप मत डालिएगा। बस इसको क्या कीजिएगा कि जो इसकी मिट्टी है थोड़ा सा लाइट रहे, लाइट इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा बस मिट्टी मिट्टी मत डाल दो उसमें, 50% कंपोस्ट ऐड करके डालेंगे। तो फ्रेंड वो क्या रहता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे तरह, इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करती हैं, उसकी रूट बॉन्डिंग भी काफ़ी पसंद है फ्रेंड। इसकी रूट प्रूनिंग आप नहीं करेंगे, अगर प्लांट अगर 3-4 साल हो गए तब इसकी रूट बॉन्डिंग रूट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। बट अगर आपका फ्रेंड अगर आपका प्लांट अभी नया है, मतलब क्या नया है, मतलब कि अभी 4-5, जैसे कि मेरे प्लांट को देखिए करीबन 6-7 महीने हो गए, तो मैं अभी एक बार भी इसकी रूट प्रूनिंग नहीं किया। बट जैसे इसके सीजन जाएंगे ठंडियों में, तो मैं सोच रहा हूँ चेक करूँगा रूट प्रूनिंग क्या हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रेंड। वैसे तो इसको रूट बॉन्डिंग काफ़ी पसंद है, जैसे डेफन बेक किया हुआ, इन लोगों को रूट बॉन्डिंग काफ़ी पसंद होता है, इनको रूट प्रूनिंग इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की जाती है। अगर फ्रेंड आपका बहुत प्लांट बॉगनविलिया का प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आप उसे रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसे कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं है, धूप में रखना है, और ये
उन गार्डनर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लांट होता है जो अभी अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड। इसे आप कहीं भी लगा दें तो ये इजीली ग्रो कर जाता है। और अब मैं बात करूँ इसके प्रोपोगेशन की, तो फ्रेंड ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ये ग्रो करने का। आप इसकी कटिंग करा दें, जैसे कि मानिए ये कटिंग है, यहाँ से कटिंग करके और आप इसे बरसात के दिनों में लगा सकते हैं, या फिर आप इसे एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, या फिर ग्राफ्टिंग भी, कि जैसे भी आप उगाना चाहे उगा सकते हैं। बट वैसे मोस्टली इसको उगाया जाता है कटिंग के थ्रू, जो कि बारिश में होता है। देखिए न्यू शूट्स भी निकल रहे हैं, इसमें नए नए फ्लावर्स भी आएंगे फ्रेंड। ये फुल आज पूरे मूड में है ये पूरे फ्लावर्स देने के इस बार। पिछले टाइम तो मैंने जब गर्मियों में इसे खरीदा था तो उतना छोटा सा था, काफ़ी अच्छा फूल नहीं दे पाया था। तो अब इसकी फ्लावर्स आप खुद ही देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है इसका फ्लावर। इधर भी देख सकते हैं, नीचे भी काफ़ी सारे हैं मेरे पास। मेरे पास एक्चुअली बॉगेनविलिया के 7 कलर के मेरे पास बॉगेनविलिया, मेरे पास एक बार पर्पल देखा था, बस वो मेरे पास नहीं है। मैं काफ़ी नर्सरीज में उसे ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे मिल नहीं रहा है। अब मुझे मिल जाएगा तो मैं भी वो भी आपको दिखा दूँगा, और वो भी मेरे पास आ जाएंगे। तो मेरे पास लगभग जो जहाँ तक मैंने देखा है सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे बॉगेनविलिया का। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसे बालकनी में भी लगा देंगे तो काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा फ्रेंड। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड।